आज हम देखेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम क्यूपरस ऑक्साइड। क्यूपरस ऑक्साइड में कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +1। अब यहाँ पे एक चीज हमें समझनी होगी, वी हैव डिस्कस्ड एलिंगम डायग्राम। एलिंगम डायग्राम के अंदर क्यूपरस ऑक्साइड फॉर्मेशन के लिए जो लाइन है वो ऑलमोस्ट टॉप पे हमें दिखती है, याद रखना। सो इन ग्राफ ऑफ डेल्टा जी नॉट वर्सेस टेम्परेचर फॉर फॉर्मेशन ऑफ Cu2O यानी क्यूपरस ऑक्साइड लाइन इज एट टॉप। ये टॉप पे है। अब टॉप पे होने के वजह से इसको रिड्यूस करना कंपैरेटिवली आसान बात है, याद रखें। दस इट इज इजी टू रिड्यूस Cu2O बाय यूजिंग कार्बन, यानी आप कार्बन को एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज करके क्यूपरस ऑक्साइड को काफी आसानी से रिड्यूस कर सकते हैं। अब कॉपर के मामले में भी ज्यादातर ओर्स सल्फाइड ओर्स होते हैं। अगर ओर सल्फाइड हो तो उसे सबसे पहले रोस्ट करना पड़ता है, यानी कि उसको इजीली रिड्यूसिबल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा और बाद में उसकी स्मेल्टिंग होगी, याद रखना। सो याद रखे, मोस्ट ऑफ द ओर्स आर सल्फाइड्स, मोस्ट ऑफ द ओर्स आर सल्फाइड्स, दस नीडेड टू बी रोस्टेड फर्स्ट ऑफ ऑल एंड देन स्मेल्टेड यानी रोस्टिंग करने के बाद ही आप उसका स्मेल्टिंग करा सकते हो। तो सबसे पहले हम रोस्टिंग के वक्त क्या करते हैं, हमारे पास क्यूपरस सल्फाइड है मान के चलो, विच हैपन्स टू बी द सल्फाइड ओर, इसको एक्सेस एयर के प्रेजेंस में हीट कराओ ताकि इसका कन्वर्शन क्यूपरस ऑक्साइड में हो विद द इवोल्यूशन ऑफ SO2। अब जो क्यूपरस ऑक्साइड हमारे पास आया दैट इज टू बी हीटेड विथ रिड्यूसिंग एजेंट फॉर स्मेल्टिंग, यहाँ पे कॉपर डिपॉजिट होगा अलॉन्ग विथ कार्बन मोनॉक्साइड। तो ये रोस्टिंग है, ये स्मेल्टिंग है। अब हमें पता है कि सल्फाइड का डायरेक्ट रिडक्शन बहुत डिफिकल्ट बात है, इसलिए इजीली रिड्यूसिबल फॉर्म में कन्वर्ट कराने के लिए हम लोग रोस्टिंग कराते हैं और रोस्टेड ओर को काफ़ी आसानी से हम लोग स्मेल्ट कर सकते हैं यानी रिड्यूस कर सकते हैं। अब एक्चुअल में ये सब बातें रिवर्बरेटरी फर्नेस में होता है, ये चीज़ याद रखें। सो इन रिवर्बरेटरी फर्नेस व्हाट वी डू, हम लोग एक्चुअल में सिलिका के साथ इसको मिक्स करते हैं ताकि गैंग जो है वो रिमूव हो सके, याद रखना। सो दिस प्रोसेस इज डन इन रिवर्बरेटरी फर्नेस बाय एडिंग सिलिका, यानी उसमें हम लोग क्या करते हैं, सिलिका ऐड करते हैं, सिलिका फ्लक्स है। अब सिलिका का काम क्या होगा कि जो नॉन फ्यूजिबल इंप्यूरिटी है उसके साथ कंबाइन हो और उसको स्लैग में कन्वर्ट करे। तो एक्चुअली इन रिवर्बरेटरी फर्नेस हमें क्या मिलेगा, वी मे ऑब्टेन स्लैग दैट इज आयरन सिलिकेट एंड कॉपर मेटल, ये चीज हमें समझने की आवश्यकता होगी। सो इन फर्नेस वी गेट, हमारे पास क्या होगा, FeSiO3 दैट इज स्लैग एंड कॉपर मेटल। सो ये दो चीजें हमें मिलेंगी। अब ये स्लैग कैसे आया इसे देखने की जरूरत है। सो आयरन ऑक्साइड इज प्रेजेंट एज इंप्यूरिटी, हमने सिलिका को मिक्स किया, सिलिका फ्लक्स है। सो सिलिका कंबाइंस विथ FeO प्रोड्यूसिंग FeSiO3 विच हैपन्स टू बी द स्लैग। अब यहाँ पे एक चीज याद रखे, कॉपर मेटल इज चार्ज्ड इनटू सिलिका लाइन कन्वर्टर, यानी इसको
सिलिका लाइन कन्वर्टर में चार्ज करना होगा, याद रखें। सो नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, कॉपर मेटे इज चार्ज्ड इनटू सिलिका लाइंड कन्वर्टर, सिलिका लाइंड कन्वर्टर, ये चीज सबसे पहले करना होगा। सम सिलिका इज एडेड, उसमें हमें फिर से सिलिका को ऐड करना होगा क्योंकि वो फ्लक्स है, अगर कोई इम्प्यूरिटी प्रेजेंट हो तो वो निकलना चाहिए। इस अंदाज से हम लोग क्या करेगा, क्या करेंगे, सम सिलिका इज एडेड। अब सिलिका ऐड करने के बाद एंड हॉट एयर इज ब्लोन, हॉट एयर को भी ब्लोन करना होगा। अब हॉट और ब्लोन क्यों करना चाहिए, सो टू कन्वर्ट अगर मान के चलो कोई सल्फाइड्स है उनका ऑक्साइड में कन्वर्शन, जैसे FeH2, FeO, उसके बाद Cu2S, Cu2O, तो इन सभी का कन्वर्शन टू कॉपर, यानी इनका कन्वर्शन कॉपर में हो, ये हम चाहते हैं, इसलिए हॉट एयर ब्लो करना होगा। अब इसके अंदर रिएक्शंस, सो रिएक्शंस कौन कौन से इन्वॉल्व है ये हमें देखने की जरूरत है। सो रिएक्शंस इन्वॉल्व्ड आर, अब सबसे पहली बात, अब जो FeS प्रेजेंट होगा दैट विल गेट ऑक्सीडाइज्ड प्रोड्यूसिंग व्हाट, FeO एंड SO2 गैस गेट लिबरेटेड। अब जो FeO हमें मिला दैट विल डेफिनेटली कंबाइन विथ सिलिका, जो हमारा फ्लक्स है, प्रोड्यूसिंग FeSiO3 दैट इज आयरन सिलिकेट। उसके बाद ऑटो रिडक्शन प्रोसेस के बारे में हमने पढ़ा है, जैसे कि क्यूप्रस सल्फाइड हमारे पास है वो ऑक्सीडाइज किया जाएगा प्रोड्यूसिंग क्यूप्रस ऑक्साइड, देयर बाय अल्सो इवोल्यूशन ऑफ SO2 टेक्स प्लेस। और जो क्यूप्रस ऑक्साइड हमें मिला वो ऑटो रिडक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेगा ताकि हम लोगों को कॉपर मिले विद द इवोल्यूशन ऑफ SO2। सो इस प्रकार से कॉपर फॉर्मेशन हम लोग देख सकते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स ओर। अब इस प्रोसेस में जो कॉपर मिलता है उसे ब्लिस्टर्ड कॉपर कहना चाहिए। सो याद रखें, कॉपर ऑब्टेंड इज नोन एज ब्लिस्टर कॉपर, इसको ब्लिस्टर कॉपर कहा जाना चाहिए। सो इट वॉज ऑल अबाउट एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम इट्स ओर।